मुकेश जी, एक सवाल मेरा आपसे है। आप भी जानते हैं कि करीब दो महीने के आसपास हो गए, गतिरोध है और देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली की सड़कों की हालत क्या है, सड़कों पर निकलने वाले लोगों की हालत क्या है। आपको नहीं लगता कि आप सरकार चलाते हैं, आपको नहीं लगता कि केंद्र में आपकी सरकार है, आपको नहीं लगता कि सरकार को कोई प्रतिनिधि एक बार जाकर यूं ही चर्चा कर ले कि जनाब मुझे बताइए क्या परेशानी है। नहीं मनोज जी, मैं मानने को तैयार हूँ, आपकी बात में बहुत दम है, होना भी चाहिए, वार्तालाप होनी चाहिए। अगर कहीं पर किसी सेक्शन को दुख हो रहा है या कष्ट हो रहा है तो सरकार की ये प्राथमिक उत्तरदायित्व है कि वहां जाके उनसे बात करे। लेकिन आप ये देखिए कि अमित शाह जी ने बोला है कि हम तैयार हैं बात करने के लिए, रविशंकर प्रसाद साहब ने बोला है कि हमारे साथ आप स्ट्रक्चर बात करिए। अफसोस इस बात का है कि इनकी कोई नुमाइंदगी नहीं, कोई ठोस नुमाइंदगी नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूं कि नेता नहीं है। अगर मान लीजिए एक व्यक्ति के साथ आपने कोई करार कर लिया तो आप उस करार की कोई वैलिडिटी, दूसरा आदमी अभी ये अपने अतुल कुमार अंजान को ही डिसओन कर रहे हैं, अभी दो मिनट में कोई दूसरा आएगा बोले नहीं इसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था, इसका बात करने का कोई, हमने इसको आधिपत्य नहीं था। तो आप मुझे बताइए किससे बात करें, आप मनोज जी मुझे बताइए कि ये व्यक्ति है। हम सरकार से अपील करेंगे कि भाई आप उनके साथ बैठ करके उनके क्या इश्यूज हैं बात करने को सरकार। और जैदी साहब, यही परेशानी वार्ताकारों की भी है, यही परेशानी वार्ताकारों के पास। अगर सुप्रीम कोर्ट ने वार्ताकार भेज दिए तो सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ बातचीत का, कुछ प्रस्ताव का, कुछ हल तो निकल कर आए ना, इसके बाद ना वो आगे बढ़ेगा, इसके बाद ना वो सरकार को डायरेक्शन देगा। सर, सरकार की क्रोनोलॉजी समझिए जी। सर, ये पहली सरकार है जिसने अपने राष्ट्रपति को झूठा करार दिया। सरकार, राष्ट्रपति ने कहा कि मेरी सरकार की प्राथमिकता है, हम एनआरसी लेके आएंगे।